यहाँ आप देखेंगे गांधार शैली में कुछ है, मथुरा शैली में कुछ है, अमरावती शैली में। हमारे देश में तीन तरह के ये रॉक स्कल्पचर्स या हाँ रॉक स्कल्पचर्स हमें मिलते हैं, ठीक है। यानी कि तीन तरह की कलाएं हमारे कंट्री की मिलती हैं हमें, गांधार शैली में कुछ बना हुआ, मथुरा शैली में बना हुआ, अमरावती में शैली में दिया हुआ। मथुरा शैली का आप मथुरा के म्यूजियम में जाके देख सकते हैं। मथुरा के नेशनल म्यूजियम में जाएंगे, आपको पुराने समय का सारा वहां पे आपको रॉक एडिक्ट स्कल्पचर्स मिल जाएंगे, ठीक है। रॉक एडिक्ट भी होंगे, कुछ स्टेचूज भी होंगे, स्कल्पचर्स बने होंगे, बहुत कुछ आपको मिल जाएगा जो भी मथुरा के वहां पड़ा हुआ है, ठीक है, संग्रहालय में। तो मथुरा में जो ये सब बने थे, आगरा में भी इस चीज का काम एक जगह पे हुआ था, जैसे उस दिन हमने डिस्कस किया था अहमदपुर में। तो अहमदपुर में भी ऐसे इन इन रॉक एडिक्ट सॉरी इन स्कल्पचर्स पर काम होता था। तो ये जो आगरा में भी काम होता था, इसको भी मथुरा शैली कहते थे। मथुरा यानी कि हमारे यहाँ की शैली, जिसमें ये सारे फिगर्स बने थे, बुद्धा के, कनिष्क के, कनिष्क काल के, बुद्धा के, ठीक है ना। तो मथुरा शैली का एक अलग काम है और गांधार शैली का अलग काम है, ठीक। तो गांधार शैली में हमें मेनली बुद्धिस्ट स्कल्पचर ही मिलते हैं, ठीक है। मथुरा शैली में हमें तीन रिलीजन के हमें वहां पर मिलेंगे, ठीक है, बुद्धिस्ट और जैनिज्म और हिंदुइज्म। तो हिंदुइज्म का भी कुछ वहां पर ये स्कल्पचर्स मिलेगा देखने को, और आपको बुद्धिज्म का मिलेगा, जैनिज्म का मिलेगा। तो ये मथुरा शैली है। अमरावती शैली ये मेनली बुद्धिस्ट रिलेटेड है। अमरावती ये जगह है आपकी आंध्र प्रदेश में, ये आंध्र प्रदेश है नीचे साउथ में। तो साउथ में किस तरह से वो क्या कहते हैं उनकी आर्ट का फॉर्म किस तरह का रहता था, वो हमें यहाँ दिखाई देता है। तो हिस्ट्री में हमें ये चीजें जाननी पड़ती हैं, आर्ट फॉर्म्स, ये सारे आर्किटेक्चर्स पे यानी कि बिल्डिंग्स पर या चीज पर ये सब उकेरे हुए होते थे। ये सब आर्ट फॉर्म्स हैं उसी समय का। तो यहाँ हम इसके साथ साथ कई सारी चीज एक साथ कर रहे हैं, आर्किटेक्चर तो कर ही रहे हैं, आगे हमारे सिलेबस में आर्ट्स भी आएगा, तो आर्ट्स पे भी काफी कुछ ये हम यहाँ पर देखते जा रहे हैं साथ साथ। तो हमारा काफी कुछ सिलेबस इसको डिटेल में देखने की वजह से पूरा हो रहा है, ठीक है। कुछ पेंटिंग्स का भी देखा हमने, पेंटिंग्स के बारे में मैं अलग से भी पढ़ाऊंगा। बहरहाल यहाँ देखो, इसको सिम्बलाइज बता करके बताया गया है कि इसका मतलब क्या है। यहाँ पर ये जो एनिमल्स हैं, दैट इज व्हाट, ये वाला जो दिस इज अबेकस ऑर्नामेंटेड विद फ्लोरल फ्लावर से, एनिमल से ये पूरा सजा हुआ था। यहाँ पे ये फूल पत्तियों से सजाया हुआ है सारा एबेकस, और यहाँ पर ये एनिमल्स एनिमल्स चक्रास। ये नीचे का जो बेस है, ये जो बेस आपको दिखाई देगा, ये जो है आपका जो है इन्वर्टे इन्वर्टिस फ्लावर सॉरी लोटस। दिस इज प्री पोजिश प्री पर्सिपोलिटन बेल, ओके, पर्सिपोलिटन बेल। फ्लूटेड पेटल्स, नीचे वाले हिस्से को बोला है फ्लूटेड पेटल्स। ये सारनाथ में है और ये रामपुरवा बुल बिहार में, ठीक, इट इज इन बिहार एंड इट इज इन यूपी, उत्तर प्रदेश, सारनाथ। सारनाथ पिलर के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे, तो ये फोर लॉइंस त्रिमूर्ति कैपिटल, त्रिमूर्ति दिखाई तीन दे रहे हैं लेकिन पीछे चौथा भी है। एबेकस हैज फोर एनिमल्स सेपरेटेड बाय फोर व्हील्स, चार एनिमल्स हैं, बीच में ये व्हील्स हैं एनिमल्स, और देन व्हील, और बुल हॉर्स एलिफेंट लॉइन, और माइनर पिलर एडिक्टेड आर्टिस्टिक एस्पेक्ट इज सिर्फ टॉक फॉर राइटिंग। कुछ ये है, ऐसे आप खुद भी कोशिश करोगे, यहाँ हम ये हिंट मिल जा रहे हैं हमें, आप खुद भी कोशिश करोगे तो बहुत कुछ आप खुद भी सर्च कर सकते हो, खोज सकते हो भारत के आर्किटेक्चर्स के बारे में, ठीक। हाँ, पर जैसे इसके अलावा देखो, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट से ही एक स्टैचू लेकर के आपके जो हमारा प्रेसिडेंट हाउस है, प्रेसिडेंट हाउस कहाँ पर है, वेयर इज प्रेसिडेंट हाउस, उस पर भी आएंगे, वो भी आर्किटेक्चर बताना है। वेयर इज प्रेसिडेंट हाउस,
आई एम टॉकिंग अबाउट राष्ट्रपति भवन. राष्ट्रपति भवन में भी आपने देखा होगा राष्ट्रपति का जो सीट है, कुर्सी है, के जस्ट पीछे yes, sir. एक आदमकद की जो है एक प्रतिमा है बुद्धा की. कभी देखा होगा, कभी कभी अभी टीवी पर कभी कोई कार्यक्रम चल रहा हुआ तो देखा है कभी? नहीं सर, शो नहीं हुआ हमें कभी. देखना ऐसे वीडियोस वगैरह देखना है जहाँ पर उसकी राष्ट्रपति की सीट है, उसके पीछे एक बहुत ऊंची एक प्रतिमा है बुद्धा की. ठीक हाँ, है सर, देखा है, देखा. जो प्रतिमा है दरअसल ये मथुरा शैली की प्रतिमा है. ठीक है, तो इसे मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स भी बोला गया. मथुरा के काम को, मथुरा में ये सब जो काम हुए हैं तो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स. ये पशु पक्षियों को दिखाया गया है. ठीक है ना, इस तरह की सब चीज. ठीक, नाउ कम टू समथिंग एल्स. यहां पर आप देख रहे हो कि ये अजंता की केव है. तो अजंता के केव में ये बुद्धा के रॉक एडिक्ट्स, ये मौर्य काल के बनाए हुए हैं. ये सर आर्ट्स ऑफ मॉडर्न पीरियड एंड रॉक कर्ट आर्किटेक्चर अजंता के अंदर. तो अजंता के समय पर ही रॉक के अंदर ये एडिट करके ये कुछ फिगर्स और कुछ ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है. ठीक है, सिमेट्री इसकी खास वजह है, खास मतलब बात है. अब मौर्य काल, हमें सिमेट्री मौर्य काल से ही दिखाई देना शुरू हो जाती है, ना सिर्फ बिल्डिंग्स में और पार्क में भी सिमेट्री हमें दिखाई देती है. ठीक है, ये जैसे कि यहाँ पर है आपके कुतुब मीनार के पास ये खड़ा हुआ है पिलर. दिस इज ऑल्सो अशोका पिलर, पिलर्स ऑफ अशोक कुतुब मीनार के पास, जिसे विक्ट्री पिलर भी कहते हैं. विक्ट्री पिलर अशोका. ओके, ठीक है फिर. यहाँ मौर्य आर्किटेक्चर में इतना ही. ठीक, मेन मेन बातें हमने डिस्कस कर ली इसकी, किस किस तरह के आर्किटेक्चर में किस किस तरह की चीजें वहां मिलती हैं. ठीक है, मौर्य के बाद पीरियड आता है कुषाण का. कुषाण पीरियड आर्ट एंड आर्किटेक्चर. कुषाण को देखें, चिल्लाने की बहुत गंदी आदत हो गई है. बहुत तो यहाँ आप देखेंगे कि ये जो मथुरा शैली है, दरअसल अभी जो मथुरा शैली की बात कर रहे थे, तो मथुरा शैली दरअसल कुषाण काल से ही भारत में शुरू हुई. उससे पहले, कुषाण से पहले जो है, कुषाण से पहले अशोक ने ही कुछ बुद्धा के फिगर्स बनाए थे या कुछ रॉक कट एडिट किया था, लेकिन स्कल्पचर्स के तौर पर, बुद्ध की मूर्ति के तौर पर अशोक के बाद अगला काम कनिष्क रहा. तो कनिष्क ने कई जो है मूर्ति कला पर काम किया. ये जो मूर्ति कला है दरअसल, ये जो ये आर्ट है अभी जो भारत में दिखाई देती है, ये मथुरा शैली की आर्ट दिखाई देती है. ठीक है ना, अभी हमें नॉर्थ इंडिया में सारा जो दिखाई देता है. गांधार अब जो है आपका अफगानिस्तान चला गया है. ठीक है ना, तो वहां पर वो शैली वहां पर चला करती थी. यहाँ पर हमें जो दिखाई देता है पुराना, वो मथुरा शैली का दिखाई देता है. ठीक है, तो ये जो ये वाली प्रतिमा है, ये आपके दिखाई दे रही है, ये कुषाण पीरियड की है. ठीक है, और इसी तरह की लगभग सेम आदमकद की बिल्कुल पत्थर की रेड स्टोन की प्रतिमा आपकी वहां भी लगी हुई है. क्या नाम है, जो भी मैंने बताया, राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति चेयर के बिल्कुल जस्ट पीछे, बहुत बड़ी. ठीक, इसका साइज वगैरह भी देखना पड़ेगा कितना है, लेकिन काफी बड़ी है. ये तो मेटल की बनी हुई लगती है, मेटल की है, वो पत्थर की है. तो ये वाली जो शैली है दरअसल ये कुषाण काल की है, कुषाण के समय की है.
शैली है, ठीक है, आर्ट फॉर्म, शैली मीन्स आर्ट फॉर्म। ये कनिष्क का एक आदमकद का चित्र है जिसमें उसका सिर गायब है। ये मथुरा के म्यूजियम में रखा हुआ है। कनिष्क उत्तर प्रदेश मथुरा इंडिया कुषाण पीरियड 120 CE 4 feet 4 inches फ्लैट एंड हार्ड एज पोर्ट्रेट ऑफ ए रूलर एंड एक्सट्रीमली फ्रंटल। ये ऊपर से इसकी मुंडी गायब है, ठीक है ना। तो एक्चुअली ही वॉज ए ग्रीक एम्परर हु रूल्ड इन इंडिया बट अडॉप्टेड बुद्धिज्म। अर्लियर ही वॉज क्लोज टू जैनिज्म बट लेटर ही स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग बुद्धिज्म एंड उसके बाद कई तरह की चीजें हमें भारत में कला के रूप में देखने को मिली, ठीक है। मथुरा में इसने कई तरह के स्ट्रक्चर्स बनाए थे लेकिन अब वो सिर्फ पूरा अवशेष के रूप में रह गए हैं। वो जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो सब अब आर्कियोलॉजी के रूप में है। इसका कुछ भी ऐसा महल या कुछ ऐसा नहीं नजर आता है अभी, लेकिन अब मतलब अवशेष के रूप में है। मथुरा में अब अवशेष के रूप में है, कई जगह पर स्तूपा के रूप में है, अवशेष के रूप में है, आर्कियोलॉजी के रूप में है, लेकिन है काफी कुछ वहां पे जमीन से निकलता है। तो वो कनिष्क काल का मथुरा शैली का उस वक्त का आर्ट फॉर्म बहुत निकलता रहता है। लोग खेतों पे काम करते हैं, अचानक कुछ निकल आता है, ठीक है ना। और इसमें क्या दिखाया जा सकता है, स्टूडेंट्स सारे लोग हैं अभी या फिर चले गए या कनेक्ट नहीं? कनेक्ट थोड़ा सा और देखते हैं उसके बाद फिर अगला टॉपिक अगला सब्जेक्ट करते हैं। यहाँ और तो अभी ज्यादा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। मैं अलग से कुछ और आर्किटेक्चर जैसा दिखाई देगा तो मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है ना, मिलेगा तुम। बाकी आर्ट फॉर्म के बारे में तो बहुत कुछ है। आर्ट फॉर्म में कनिष्क ने बहुत काम किया है। यहाँ एक चीज आई थी अभी, क्या आया था, सीधा तक्षशिला इन पाकिस्तान। तक्षशिला भी इस वक्त कहाँ है, पाकिस्तान में। ये तो दरअसल एक रेप्लिका है, एक पेंटिंग है, बट तक्षशिला का ये, तक्षशिला जो यूनिवर्सिटी के जैसे सुनते हैं नालंदा तक्षशिला, ये तक्षशिला के ये अवशेष हैं, तक्षशिला का अवशेष है, ठीक है। ये भी एक टीचिंग का बहुत बड़ा जगह था, जैसा आपका नालंदा है, जैसा नालंदा है ऐसी तक्षशिला भी बहुत बड़ा टीचिंग का प्लेस था। यूनेस्को ने अभी इसको हेरिटेज घोषित किया हुआ है, ठीक है। तो अब पाकिस्तान पहले तो भारत ही था, ठीक है, जगह तो एक ही थी, अब लेकिन वो अलग देश हो गया। तो पॉलिटिकल चीजें हमारे देश की काफी रही हैं। चलो ठीक है, अब इसको क्लोज करते हैं। कभी आपको मौका लगे तो मथुरा के म्यूजियम में घूम के आइए जरा एक बार और देख के आइए मथुरा की पुरानी कल्चर को, कलाओं को। आपको पुराने समय के सारे आर्ट्स का और उसके हिस्ट्री का एक जायजा हो जाएगा, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि वो समय किस तरह का था। एक कनिष्क की ये मथुरा में लगी हुई स्टैचू है, आदि वाली, सिर कटा हुआ है, ऐसी बहुत सारी चीजें। और तो हमने अभी एंशिएंट में सर कॉलेज के बाद आप ही ले जाइएगा क्या क्या सर, ये सर मथुरा में किस साइड है अभी देख लेते हैं इसका एड्रेस। यस सर, ओके।
नेशनल म्यूजियम मथुरा, यह है आपका एड्रेस आया यहाँ पर, म्यूजियम रोड, डैम्पियर नगर कैसे रीड करेंगे इसको, मथुरा में डैम्पियर नगर है कोई, वहां दिखाया जा रहा है इसको। और यहाँ देखें तो अच्छा, इसका कोई वीडियो वगैरह देख रहे हैं क्या, वीडियो देखें, यहाँ कुछ आता है, ये रहा मथुरा का म्यूजियम, दिखाई दे रहा है ना, अभी ये बाहर से सीन है। ठीक है, ये उसके एंट्रेंस का है, आप जाके देखना एक बार। ठीक है, ये इसके अंदर के सीन्स हैं। अंदर का सारा सीन है, ये सब मथुरा शैली कुषाण कालीन मूर्तियां। और ये सब आए दिन वहां खेतों में निकलता रहता है, तो ये सारी जो आर्ट फॉर्म है सब ये मथुरा आर्ट ऑफ स्कूल की है, यानी कि मथुरा एक आर्ट ऑफ स्कूल था। ठीक है, भारत की तीन शैलियां हैं, पत्थरों पर जो कार्विंग होती है उसकी, ठीक है, रॉक कट फिगर्स बनाना, स्कल्पचर्स बनाना, मथुरा, गांधार, अमरावती, अमरावती साउथ में, साउथ की शैली अमरावती, साउथ का हम अलग से पहचान जाएंगे, नॉर्थ का अलग पहचान सकते हैं, और जो गांधार उधर अफगानिस्तान की तरफ बना हुआ है उसका अलग पहचान में आ जाएगा कि वहां पर कैसे फिगर्स बनते थे। This is तोरण, पुराने समय का पोल्ट्री और कुछ साजो सामान, ये कितना बड़ा, काफी बड़ा है, यानी कि अगर सिर इतना बड़ा है तो अगर धड़ को लगाएंगे तो कितना बड़ा होगा, पूरा पत्थर का बनाया हुआ है। ठीक है, और कितना पुराना है, अगला ये चक्र है, चक्र दिखाई दे रहा है,
तो इस तरह से काफी कुछ है, अगर आप देखेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। ठीक, और ये जो है ये विष्णु का है, विष्णु का रॉक का एडिट है, विष्णु और कृष्णा, कृष्णा कह सकते हैं। बाद के काल में हिंदुइज्म भी जुड़ता है, ठीक है। तो वहां थ्री रिलीजन का हमें रॉक कट में कुछ ऐसा मिलता है। तो काफी फोटोज हैं इसमें, नेशनल म्यूजियम पूरा खुल गया है। ये साइड में कुछ पोज भी आ रहे हैं अलग से, साइड के पोज नजर आ रहे हैं। ओके ठीक है, लेट इट बी। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, आपकी वॉइस थोड़ी क्लियर है। अच्छा कोई बात नहीं, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, अभी यही इसको छोड़ते हैं, आप इसका वीडियो वगैरह देख लेना। और यहाँ तो हम देख ही रहे हैं सारा कुछ, ठीक है। तो इट इज मस्ट विजिट प्लेस नियर टू यू, नॉट सो फार, सो मच। हेलो सर, यस सर, कॉलेज के बाद आप ही ले चलिएगा, ले चलेंगे सर। ग्वालियर का म्यूजियम भी तो ऐसे ही है सर। कौन सा म्यूजियम? ग्वालियर का म्यूजियम है। ग्वालियर में भी है म्यूजियम, बिल्कुल, जितना भी ये हमारा हिस्टोरिकल प्लेसेस है सारी, वहाँ सब जगह पर म्यूजियम है, ठीक है। नाउ कम टू आवर टॉपिक, कहाँ थे हम लोग? हॉस्पिटलिटी में। सुधीर एंड्रयूज कर रहे थे कुछ, सुधीर एंड्रयूज हाउसकीपिंग। ये बुक आप लोग ले लेना इसमें, क्योंकि यहाँ नेट पे पूरी अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसमें सारा आपको कोर्स मिल जाएगा, ठीक है ना। So, housekeeping, layout, housekeeping office, control desk room क्या होता है? यहाँ जरा देखते हैं इसको। The main features are, it is the main communication center where relevant housekeeping information is sent and received. ठीक है, main communication center है जहाँ से housekeeping information send and receive की जाती है। It is the nerve center for coordination with the front office banquet. The room has a desk and a chair, preferably more than one telephone and computer terminal for information storage and control. It should have a large notice board to display essential information for the staff. एक notice board लगा होता है information staff को देने के लिए, ठीक है। The desk control room is the point where all staff report for duty and check out at the end of the duty.
ठीक है, सब लोगों को यही रिपोर्ट करना होता है, यहीं से वो चेकआउट भी करता है सारा स्टाफ। इट एडजॉइंस द हाउसकीपर ऑफिस, और ये हाउसकीपिंग के जो मेन ऑफिस है, एग्जीक्यूटिव ऑफिस या उसके ऑफिस के नजदीक होता है। ठीक है, लॉस्ट एंड फाउंड सेक्शन, बिल्कुल इसका रिलेशन सीधे डेस्क कंट्रोल डेस्क से है। इट इज ए कपबोर्ड इन द कंट्रोल डेस्क रूम टू स्टोर मिसप्लेस्ड गेस्ट बिलोंगिंग्स दैट मे बी क्लेम्ड लेटर। इट इज अवे फ्रॉम थ्रूफेयर थोरोफेयर and the area is secure, cool and dry. Excuse me. आप बताइए, बताइए जल्दी बताइए। एटीएम या मेरे अकाउंट में, मेरे अकाउंट में एटीएम होगा। अगर उसे चाहिए तो उसे और लेके मैं देता हूँ। नहीं नहीं वो ठीक है, लेकिन वो डिटेल चाहिए होगी ना। कोई बात नहीं, हाँ ठीक है, ठीक। तो लॉस्ट एंड फाउंड सेक्शन एंड लिनिन रूम सेक्शन, ये सारी आपको चीजें यहाँ मिल जाएंगे। देयर इज वेयर करंट लिनिन इज स्टोर्ड फॉर इश्यू एंड रिसिप्ट, इट मेन फीचर्स आर। यहाँ से ही, यहाँ ही सब कुछ स्टोर होता है, यहाँ से ही सारा इश्यू होता है। ठीक है, और रिसीविंग भी यही होती है सारे लिनिन की। द रूम इज वेल लिट, अच्छी तरह से वहां पर रोशनी होगी, लार्ज एयर ही होगा एंड free from heat and humidity. It has adequate shelves to stack linen and secure it from pill fridge. ठीक है, और यहाँ पर सारे सभी linens को रखने के लिए सभी तरह की shelves होंगी, उन सब में जगह होंगे। ठीक है, और secure होगा। ठीक, किसी भी तरह के कीटों से जो होते हैं ना, कई तरह की ऐसी चीजें होती हैं जो कपड़ों को खराब कर देते हैं, उन सब से फ्री होता है, क्योंकि वहाँ पर समय समय पर जो है वो उसको बोलते हैं हम पेस्ट कंट्रोल होता रहता है। ठीक है ना, द लिनिन रूम हैज ए काउंटर फॉर द एक्सचेंज ऑफ लिनिन। एक काउंटर है जहाँ से सारा एक्सचेंज होता है, लॉन्ड्री से एक्सचेंज हो या फिर हाउसकीपिंग फ्लोर से। द लिनिन रूम हैज ए काउंटर फॉर द एक्सचेंज ऑफ द लिनिन रूम मस्ट एडजॉइन इन हाउस लॉन्ड्री फॉर स्मूथ एंड स्पीडी एक्सचेंज ऑफ फ्रेश एंड सॉइल्ड लिनिन एंड यूनिफॉर्म। ठीक, ये हमने वहां देखा भी था, जो इसका लेआउट था उसमें। इट इज एक्सेसिबल ओनली टू ऑथराइज्ड पर्सन। हाँ, ये हाथ किसने उठाया है कुछ बताना चाह रहा है? तनु दिवाकर, तनु कुछ बोलना है? तनु, यू रेज द हैंड। तनु दिवाकर, नहीं, इट इज एक्सेसिबल ओनली टू ऑथराइज पर्सन, इट मस्ट हैव ओनली वन एंट्री एग्जिट डोर ऑफ फॉर सिक्योरिटी। यूनिफॉर्म रूम, दिस रूम स्टॉक्स द यूनिफॉर्म्स इन करंट सर्कुलेशन। इट इज पॉसिबल दैट स्मॉलर होटल्स मे चूज टू कंबाइन दिस रूम विद द लिनिन रूम। बड़े होटल्स, स्मॉलर होटल्स में ये जो है ये लिनिन रूम के साथ अटैच रहता है, लेकिन इन लार्ज होटल सेपरेट। The volume of uniform in circulation determine whether to have an independent uniform room or not. The feature of a uniform room are, इनके ये uniform room के features हैं। अब यहाँ इससे पहले थोड़ा इन्होंने बताया कि अगर बड़ा होटल होगा तो अलग अलग rooms हैं, uniforms का अलग, linen का अलग, और कितना uniform है यानी कितना staff है उस पर depend करता है कि उसका circulation कितना होना है। ठीक है, होटल के अंदर।
स्टाफ कम है तो, यानी कि स्मॉल होटल है तो स्टाफ कम है, स्टाफ कम है तो यूनिफॉर्म भी आसानी से मैनेज हो जाती है, सर्कुलेशन ज्यादा नहीं है। लेकिन लार्ज होटल है तो सर्कुलेशन भी ज्यादा होगा, सेपरेट रूम की जरूरत होगी। हैंगिंग रैक्स, हैंगिंग रैक्स कहाँ गए? एज मोस्ट यूनिफॉर्म्स आर बेस्ट मेंटेन्ड विद हंग व्हेन हंग सेल्स फॉर रेगुलरली हार्ड यूनिफॉर्म्स लाइक डांगरीज, सेफ्स जैकेट्स एटसेट्रा। सेल्स फॉर रेगुलर हार्ड यूनिफॉर्म्स, ये हार्ड यूनिफॉर्म कौन सी है बताओ जरा, हार्ड यूनिफॉर्म से क्या समझते हो? हेलो, यस सर, जो डांगरी क्या है? डांगरी सेफ के सेफ कोट सेफ वाटर डांगरी है। डांगरीज क्या है सर, काम करते हैं डांगरी। आपने देखा होगा कि एक ऊपर से लेके नीचे तक का एक ही पूरा यूनिफॉर्म रहता है, बीच में उसमें कोई जैसे कि ऐसा नहीं कि शर्ट अलग है पैंट अलग है, वो सब एक ही सारा सिला हुआ रहता है। देखा है ना पहने हुए जो लोग कंपनी में फैक्ट्री में काम करते हैं। तो दरअसल जो हाउसमैन उसमें नाइफ वगैरह भी रखी होती है ना, पॉकेट भी होती है। हाउसमैन दरअसल ये डांगरीज यूज करते हैं बीच में, और सेफ जैकेट अलग हो गया, सेफ जैकेट अलग हो गया, सेफ जैकेट यूज करते हैं सेफ लोग, ठीक है, सेफ यूज करते हैं। उसके अलावा जो रेस्टोरेंट कैप्टन होते हैं वो भी इसी तरह का यूज करते हैं, बट डांगरी जो है हाउसकीपिंग में यूज में आती है। तो लेकिन यहाँ पर इन सबको तो हैंडल करना ही है ये सब। ये आप लोग रेज हैंड क्यों कर रहे हो बार बार? अंजलि कुशवाहा ने रेज हैंड किया है, कुछ बताना है तो बताओ। एक्सचेंज काउंटर्स, सॉरी कवर्ड फॉर स्मॉल एक्सेसरीज लाइक ग्लव्स, टाइज, बोज, कैप्स, इन सब के लिए स्मॉल सेल्स हो गई, ठीक है। और एक्सचेंज काउंटर फॉर एम्प्लॉइज हु कम टू कलेक्ट एंड डिपॉजिट देयर यूनिफॉर्म। एम्प्लॉइज अपने अपने फ्लोर से जो यहाँ आते हैं, ठीक है, वो एक्सचेंज काउंटर पर उन सबके लिनन को रखने का सबका अलग अलग जगह, ठीक है, यूनिफॉर्म को रखने का सबका अलग अलग जगह, ठीक। एक्सचेंज काउंटर विद द इन हाउस लॉन्ड्री, बिल्कुल इन हाउस लॉन्ड्री तो है ही। इट हैज ओनली वन एंट्री एग्जिट डोर फॉर सिक्योरिटी, एक ही रास्ता हुआ आने और जाने का, जिससे कि ये दरअसल प्रीसियस सामान होता है होटल का, ये खो ना जाए, चोरी ना हो जाए, इसलिए एंट्री और एग्जिट का एक ही डोर है। हाउसकीपिंग स्टोर, द स्टोर स्टॉक्स मटेरियल फॉर लिनन एंड यूनिफॉर्म आइडली, द स्टॉक मेंटेन शुड बी इनफ टू रिप्लेनिश वंस ऑल ओवर द होल होटल। ये हाउसकीपिंग स्टोर बहुत सारा ऐसा सामान होता है, इक्विपमेंट्स होते हैं जो फ्लोर्स को जरूरत पड़ती रहती है, ठीक है। तो जैसे हर फ्लोर पर एक पेंट्री होती है, पेंट्री भी एक तरह का स्टोर है, वहां पर भी एक फ्लोर में जितना भी सामान पेंट्री होती है, हर रूम में जो सामान यूज होना है तो एक पेंट्री हर फ्लोर पे होगी, एक एक पेंट्री, तो सारा सामान पेंट्री में होगा। पेंट्री तक कहाँ से जाएगा? पेंट्री में जाएगा हाउसकीपिंग स्टोर से। हाउसकीपिंग स्टोर वहां पर सारे पूरे होटल का सारा जो मेन सारा सामान है यहाँ अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। सारे सप्लाईज यहीं से सप्लाई होते हैं पेंट्रीज में, ठीक है। द स्टोर स्टॉक्स मटेरियल फॉर लिनन या यूनिफॉर्म आइडली, द स्टॉक मेंटेन शुड बी एनफ टू रिप्लेनिश वंस ऑल ओवर द होल होटल। हाउएवर ड्यू टू बजटरी कंस्ट्रेंट्स द होटल मे स्टॉक लेस, होटल कम या कम ही रखता है अपने बजट को देखते हुए। Stock in the store are only touched when linen uniform is circulation falls short. और इस पर जब भी काम होता है कि जब फ्लोर पर linen uniform की कमी आती है, ठीक है, due to damage or loss, कि ऐसा ना हो कि ज़्यादा हम उसको loss करें, क्योंकि अब जैसे कोई linen अभी हमारा चराया जा सकता है और हम बार बार उसको बदल रहे हैं तो ये फिर हमारा loss हो जाएगा ना, तो ये सब ध्यान में रखते हुए इसीलिए उन सब का laundry भी होता है और टेलरिंग लॉन्ड्री मेंटेनेंस भी रहता है ना सब चीजों का। द मेन फीचर्स ऑफ द स्टोर आर द रूम शुड बी कूल ड्राई, इट इज प्रोवाइडेड विद सेल्फ्स टू स्टॉक द लिनन एंड मटेरियल्स। लार्जर होटल्स मे हैव एन इंडिपेंडेंट स्टोर फॉर लिनन एंड अनदर फॉर्म
uniform based on the volume of materials in circulation, the hotel's policy to stock such large numbers. It has only one entry exit door for security. बिल्कुल वैसे ही heavy equipment store. अब ये heavy equipment store के लिए अलग store है, ठीक है? ये किस तरह का है? Store to stock bulky. ये सर अलग होते हैं. Equipment like vacuum cleaner, carpet shampoo, machine ladder for chandelier and window cleaning etc. ठीक है? And its features, its main features are the room should be clean and dry. It is securely locked to prevent pilferages or theft. As a constitute substantial capital investment. Heavy equipment store, यहाँ पर ये सारे सामान जो cleaning के लिए जरूरत होती है, ठीक है, cleaning के अलावा कई और तरह के equipments की हमें जरूरत होती है, उसके लिए एक store है. अब क्योंकि ये सारा सामान पर जो है hotel invest करता है, तो ये किसी भी तरह से ये खराब ना हो जाए, इनको रस्ट ना लग जाए, ठीक है, जंग ना आ जाए, या फिर कई तरह के ऐसे कीट होते हैं कि जो उसको डैमेज कर सकते हैं सामान को, ठीक है ना, घुन लग जाता है, ऐसा भी होता है, ठीक है ना. तो ऐसी चीजों के लिए वहां पर समय समय पर पेस्ट कंट्रोल होता रहता है. इट हैज ओनली वन एंट्री, यहाँ पर भी एक ही एंट्री एग्जिट डोर है, क्योंकि ये सब इन्वेस्टमेंट है होटल का, तो इसकी सेफ्टी जरूरी है, सिक्योरिटी जरूरी है. टेलर रूम डिस्कस वाइज सब कुछ कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा डिटेल में आ रहा है. दिस रूम इज फॉर इन हाउस फुल टाइम टेलर्स हु स्टिच द मेंड डैमेज्ड लिनन एंड यूनिफॉर्म. इट्स फीचर्स आर द रूम हैज सीइंग मशीन एट मशीनिंग स्टेशंस बेस्ड ऑन द नंबर्स ऑफ टेलर्स एम्प्लॉयड. इट हैज शेल्व्स एंड कबर्ड्स टू स्टोर मटेरियल्स यूज्ड फॉर यूनिफॉर्म्स. इट इज एक्सेसिबल ओनली टू टेलर्स एंड यूनिफॉर्म रूम पर्सनल. इट इज ए क्लीन एंड ड्राई प्लेस. ठीक, स्मॉलर होटल्स में आउटसोर्स फंक्शन टू रिलायबल टेलर्स इन द सिटी टू सेव